और एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। एक और बड़ी खबर इस वक्त आपके स्क्रीन पर, आगरा में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद। खनन माफिया ने पुलिस कांस्टेबल के सिर पे गोली मार दी। खनन माफिया और पुलिस के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है और फायरिंग की आवाज से कस्बे में हड़कंप मच गया। खैरागढ़ थाना क्षेत्र के कस्बे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो आगरा में खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि ये पुलिस से आमने सामने लोहा लेते हैं। पुलिस कांस्टेबल के सिर पर गोली मार दी गई। खनन माफिया और पुलिस के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग भी हुई, इसकी आवाज से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। तो आगरा में खनन माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि पुलिस कांस्टेबल के सिर पर गोली मार दी गई और खनन माफिया और पुलिस के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है, जिसकी आवाज़ से कस्बे में हड़कंप मच गया है। आम लोगों में हड़कंप मच गया। तो आपको बता दें, पूरा मामला आगरा से सामने आ रहा है, खबर आगरा से। खनन माफियाओं के हौसले बेहद बुलंद नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल फायरिंग की आवाज से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आगरा से आपको ये खबर हम बता रहे हैं। बड़ी खबर है आगरा से। आपको बता दें, खनन माफियाओं और पुलिस के बीच यहाँ पर जमकर फायरिंग भी हुई और पुलिस कर्मी के सिर पर गोली मार दी खनन माफियाओं ने। तो बड़ी खबर है आगरा से, हम आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। ताबड़तोड़ फायरिंग के चलते क्षेत्र में सनसनी फैल गई। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आगरा से, ये बड़ी खबर है। फायरिंग की आवाज से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। तो फिलहाल आपको बता दें, पुलिस कर्मी के सिर पर गोली मारी गई है। खनन माफियाओं के हौसले बेहद बुलंद नजर आ रहे हैं। पुलिसकर्मी के सिर पर गोली मारी गई है। और खैरागढ़ थाना क्षेत्र के कस्बे का ये पूरा मामला है। और आगरा से हमारी सहयोगी रिंकी हमारे साथ लाइव इस खबर पर जुड़ रही है। रिंकी, ये तो मतलब पुलिस कर्मियों का कोई खौफ ही नहीं है खनन माफियाओं में, कांस्टेबल को ही गोली मार दी गई है। जी रिंकी, आपकी आवाज हमारे दर्शकों तक नहीं पहुंच रही है, कृपया अनम्यूट करें अपने आप को। जी आपको बता देती है, पूरा मामला आगरा के कस्बा खैरागढ़ क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि वहाँ पे पुष्पा देवी जो स्कूल है, वहाँ पर कांस्टेबल के साथ जनवासियों के ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं और अल्जाम यह हुआ है कि कांस्टेबल को यह सर में गोली पड़ने से
गंभीर रूप से घायल हो चुके और उपचार के लिए उसको रेफर कर दिया गया है। लेकिन आपको बता देते हैं कि ये पहला मामला ऐसा नहीं है ताज नगरी आगरा में खनन माफिया को लगातार हौसले ऐसे ही ब्लड देखे जा रहे हैं। सरकार लगातार इन खनन माफिया के नकल करती आई है, लेकिन ताज नगरी आगरा में खनन माफियों के ऊपर ऐसा कोई भी असर नहीं है। पुलिस प्रशासन का कोई भी खौफ लगता है वो अपनी कार्रवाई लगातार करते नजर आते हैं। अगर उसे रोक टोक जी ऐसी ही घटनाएं तमाम देखने को मिलती है जो की पूर्व में चुकी है और आने वाले समय में आज जैसे कि आप तस्वीर आप देख ही रहे होंगे कि किस तरीके से ये पूरी घटना को अंजाम गया है। जब इतनी तेज वहां पर आवाज हुई है और टावर तोड़ गोलियां आसपास से चली है तो वहां के जो लोग थे आस पास के कॉलोनी वाले वहां इकट्ठे हुए, एकत्रित होना उनका लाजमी था क्योंकि इतनी बड़ी घटना हुई थी। इसके बाद पुलिस कर्मी को गंभीर रूप से घायल कर दिया और वहां से वो लोग फरार हो गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार सरकार जब इतनी नकेल कसती आ रही है, आगरा का जो प्रशासन है लोकल वो भी पूरा कार्रवाई करते जाते तो खनन माफिया अपने आदतों से बाज क्यों नहीं आते हैं, वो इस पर रोक क्यों नहीं लगाते हैं। जी, तो जी। जब हमने वहां के लोगों से बात करने की कोशिश की तो उनके कहना था जो सूत्र के आधार पर बता सकते हैं कि उनका कहना था कि सफेद पोशाक जारी है उनकी ही संरक्षण में ये जो खनन माफिया है वो फल फूल रहे हैं इसीलिए। नहीं तो क्या इन्हें किसी प्रकार का सियासी संरक्षण है? क्या ये लोग बाहुबली हैं? ये कौन लोग हैं जो इस कदर पुलिस पर हमला करते हैं? किसी प्रकार के इनको अंजाम का कोई खौफ ही नहीं है? देखिए आपको बता दें आपने बिल्कुल सच बात दोहराई है कि ये कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक संरक्षण में ही फल फूल रहे हैं, इनका पालन पोषण वहीं पर हो रहा है। तभी इनके दिमाग से जो सरकार का खौफ है वो निकल चुका है, जो प्रशासन का खौफ है वो भी निकल चुका है, इसीलिए वो लगातार ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। और यही वजह है कि पुलिस प्रशासन पे हमला बोल दिया है। जो पुलिस कांस्टेबल सोनू है उसकी हालत बेहद गंभीर बनी है, बेहद नाजुक हालत बताई जा रही है। हालांकि अभी उपचार चल रहा है लेकिन आने वाले कुछ घंटों में बहुत ही ज्यादा खतरा उसके सर पर मंडरा रहा है, कह सकते कि अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। तो यही तस्वीर अपने आप में शर्मनाक करने वाली तस्वीर है कि आखिरकार जब पुलिस प्रशासन भी सुरक्षित नहीं है तो आम जनता सुरक्षित कैसे हो सकती है। बिल्कुल आपने बिल्कुल सटीक बात कही है कि जब पुलिस प्रशासन ही सुरक्षित नहीं है तो आमजन कैसे सुरक्षित रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रिंकी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये खनन माफिया जिन्हें किसी प्रकार का कोई डर नहीं है पुलिस प्रशासन से,